बैक टू माई चैनल एक्सपीरियंस यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 2 जून 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं हमें आज क्या क्या पढ़ना है। पहले पेज पे आ जाइए, इसमें यह है जीएसटी कलेक्शन जंप हुआ है 44% ऑलमोस्ट 1.41 लाख करोड़ में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है ये देख लीजिए। तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि जो गुड एंड सर्विसेज जो ये है गुड एंड सर्विसेज वो बढ़ा हुआ है। ठीक है, 44%। ठीक है, फ्रॉम लास्ट। ठीक है, तो ये हमें पढ़ लेना है, ये हो गया। आगे देखते हैं। तो और उसके बाद हमें ये ध्यान में देना है कि ये जो है ये ओनली द 4th time ऑफ द मंथली जीएसटी कलेक्शन है जो कि क्रॉस्ड हुआ है 1.4 लाख करोड़ मार्क किया है सेंस इंसेप्शंस ऑफ जीएसटी और 3rd month ऑफ द स्ट्रेट जो कि मार्च 2022 है। ठीक है, वहाँ से ये बात हुई। आगे और हमें क्या इसमें पढ़ना है, हमें इसमें ये पढ़ना है कि हाउएवर ये क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, दैट इवन इन द मंथ ऑफ मई 2022 ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये भी हमें हाईलाइट कर लेना है और जान लेना है कि जो अप्रैल फिगर है वो हायर है किससे, मई फिगर से। तो अप्रैल का फिगर जो है वो हायर दिखा रहा है मई फिगर से। रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन और इंक्लूड करता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को। ये भी हाईलाइट कर लीजिए कि जो ये रेवेन्यू ग्रोथ है वो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस और इंक्लूड करता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को। ठीक है, ये भी हमें ध्यान देना था। आगे देखते हैं इसमें और क्या ध्यान देना है। इसके बाद हम ये देख लीजिए कि टैक्स क्यूजन करके एक बताया गया है, इसमें है अ सस्टेन हेल्दी मोमेंटम ऑफ एक्टिविटी जो अब्सेंस ऑफ अनदर कोविड ब्रेकडाउन जो हुआ और मेजर डिसरप्शंस जो हुआ है ये हेल्प करेगा सेंट्रल जीएसटी इनफ्लो को एक्सीड करेगा बजट एस्टिमेट। अभी देखिए इसमें ये भी हमें ध्यान में देना है कि ये क्या होगा, कुड हेल्प। ठीक है, ये क्या कर सकता है, ये हेल्प करेगा सेंट्रल जीएसटी इनफ्लो को और एक्सीड करेगा बजट इस्टीमेट को। 1.15 लाख करोड़ जो दिखा रहा है कि अब्जॉर्व अ पार्ट ऑफ सेंट्रल हायर सब्सिडी बिल। ठीक है, ये भी कंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें और देखते हैं कि अमंग सदर्न स्टेट की बात अगर की जाए, पहले यहाँ पे ये देखेंगे जो रेवेन्यू ग्रोथ है। ठीक है, बायंट अक्रॉस मोस्ट स्टेट है, एस मेनी एज 20 state and UT जो है 20 state and union territory है जो वहाँ पे रेवेन्यू राइज दिखा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए 20 state and UT जो है वहाँ पे क्या देखा गया है, रेवेन्यू राइज देखा गया है फास्टर देन 44% नेशनल एवरेज के। इसमें कौन कौन से मेजर इंडस्ट्रियल स्टेट इंक्लूड हुए हैं, जिसमें कर्नाटका के 60%, महाराष्ट्र से 50% और गुजरात से 46% यहाँ पे देखे जा रहे हैं। अब हम सदर्न स्टेट की बात कर लें, साउथ जो स्टेट है हमारे, साउथ में जो स्टेट है उसमें तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु का कलेक्शन बढ़ा है 41%, आंध्र प्रदेश जो है, केरला है, तेलंगाना है उसका 47% किसका, आंध्र प्रदेश का, केरला का कितना हो गया 80% और तेलंगाना का 33% बढ़ा है। ठीक है, तो हमने इसमें ये देख लिया कि जीएसटी कलेक्शन से रिलेटेड जो जंप हुआ है 44%, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, हमने ध्यान इसमें दिया। तो ये आपको मैं बता रही हूँ कि जो मैंने जितना पार्ट हाईलाइट किया है आपको एज़ इट इज़ अगर आप चाहें तो अपनी शॉर्ट नोट जो आप बना रहे हैं वहाँ पे मेंशन कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं हमें और क्या पढ़ना है। इसके बाद हमें ये पढ़ना है चॉपी वाटर, इसमें क्या है, इकोनॉमिक पोस्ट कोविड रिकवरी जो है वो कंप्लीट हुई है, फार फ्रॉम कंप्लीट मतलब अभी दूर है कंप्लीट होने से रिकवरी, पर क्या हुआ है कि इसमें देखा जा रहा है। अब इसमें बात किससे रिलेटेड की जा रही है ये हमें देखना है। इसमें बात की जा रही है एक तो GDP से रिलेटेड बात हो रही है और एक GVA से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, GDP का फुल फॉर्म आप सबको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और GVA का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, अब GDP का कितना हुआ है, 8.7। ठीक है, GDP की ये बात है, और GVA जो है वो बढ़ा है कितना, 8.1%। कब की बात हो रही है, 2021-2022 की। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें और क्या ध्यान देना है
कि जो जीडीपी है वो क्रैश हुई है 6.6% और जीवीए 4.8%। ठीक है, अब इसमें ये भी देखा जा रहा है फॉर वन इट इज़ नॉट अ वी शेप्ड रिकवरी विद जीवीए, पर ये देख लीजिए ये भी हमें हाईलाइट कर लेना है कि ये वी शेप्ड रिकवरी नहीं है, ये वी शेप्ड रिकवरी जो जीवीए फ्रॉम ग्रोथ जो जॉब क्रिएशन है वो नहीं है ये, फॉर वन इट इज़ नॉट अ वी शेप्ड रिकवरी। ठीक है, अब देख लीजिए जो गवर्नमेंट असर्शन दिख रहा है डेटा इस्टेब्लिशमेंट फुल इकोनॉमिक रिकवरी, तो ये वी शेप्ड नहीं है। ट्रेड एंड हॉस्टल्स स्टिल 11.3% बिलो 2019-20 लो लेवल्स। ठीक है, अब इसमें और क्या देखना है, इसमें हमें और क्या ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि तो मतलब ऑल अबाउट ये जीएसटी जो जीडीपी और जीवीएस से रिलेटेड है ये हमें पढ़ना है। अब दूसरा हमें क्या पढ़ना है, ये है अ केस फॉर कम्युनिटी ओरिएंटेड हेल्थ सर्विसेज। अब ये जो आर्टिकल है आपको अपने न्यूज़पेपर में पढ़ना है, ये किससे रिलेटेड है, आशा। ठीक है, जो आशा होती हैं वो सिटी हॉस्पिटल से कनेक्टेड होती हैं, उनसे रिलेटेड ये आर्टिकल आया हुआ है। ठीक है, आपको इसमें ये भी ध्यान देना है, इसमें दिखा रहे हैं इंडिया 1 मिलियन एक्रीडिटेड, ठीक है, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं। तो आशा का फुल फॉर्म आपको पता चल गया, यहाँ से आशा का फुल फॉर्म हो गया एक्रीडिटेड, ठीक है, सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट फुल फॉर्म हो गया इनका आशा। ये वॉलंटियर होती हैं, ठीक है, जो रिसीव करती हैं और आर्गुएबली द बिगेस्ट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड में इनको रिकॉग्नाइज किया है अभी। ठीक है, सॉरी, तो इनको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड में रिकॉग्नाइज किया गया। आशा वर अमंग द 6 अवार्डीज। आशा जो है, आशा इधर देखिए, इनको अमंग 6 अवार्डीज में इंक्लूड किया गया है जो 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अभी हुई कहाँ पे, जिनेवा में। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है, आपको पूरा इसको रफली पढ़ लेना है। तो हमने जान लिया कि किससे रिलेटेड है ये आर्टिकल, हमें क्यों पढ़ना है। आगे देखते हैं, ये भी पढ़ना है, सेफ्टी फर्स्ट। इसमें नेपाल शुड नॉट सेक्रीफाइस एविएशन सेफ्टी फॉर द सेक ऑफ कॉमर्शियल टूरिज्म। तो ये अब हम ये जान गए कि ये है किससे रिलेटेड, नेपाल से रिलेटेड। इसमें है कि ग्रिम इमेज ऑफ रेकेज ऑफ द तारा एयर दी हैविलैंड DHC, इससे रिलेटेड है ये। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो हम इसको देख के जाने कि हाँ इससे रिलेटेड न्यूज़ में था। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट उसी से रिलेटेड है कि नेपाल शुड सेक्रीफाइस एविएशन से रिलेटेड है ये। तो ये भी हमें पढ़ लेना है, ये भी आज के प्रस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 3D ट्रेन मैप टू फ्लाइट पाथ शो, 3D ट्रेन मैप, ठीक है, किसके लिए होता है, फ्लाइट पाथ शो के लिए। ठीक है, और आप इसमें और भी देख लीजिए, इसमें क्या बताया जा रहा है कि 30 मिनट अबव 3000 feet, ठीक है, ऑल पैसेंजर इफ फ्लाइट एक्सीड ओवर, अगर एक्सीड होता है तो कितना क्या एक अमाउंट बता रहे हैं वो। ठीक है, कि स्मॉल जो अनप्रेसराइज्ड एयर जो क्राफ्ट यूज़ होता है सेक्टर ऑपरेशन के लिए सीलिंग ऑफ 13,000 feet से एंड आर एयरबॉर्न फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑक्सीजन सप्लाई आर नीडेड, तो उस समय ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत होती है। ठीक है, उस समय ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत होती है, इसकी यहाँ पे बात की जा रही है। आगे देखते हैं हमें और क्या पढ़ना है, तो हमने देख लिया कि क्या है, इसमें एविएशन से रिलेटेड एक हाँ एडिटोरियल में आया हुआ है, ठीक है, एक आशा से रिलेटेड आया हुआ है और एक इससे रिलेटेड GDP और GDP और GVS से रिलेटेड आया हुआ है। आगे देखते हैं हमें और क्या पढ़ना है, हमें एक ये पढ़ना है, यूरोपियन यूनियन बैन ऑन रशियन ऑयल। ठीक है, हमें एक ये पढ़ना है कि यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, बैन ऑन रशियन ऑयल पे बैन लगाया है, उससे रिलेटेड हमें क्या पढ़ना है देखते हैं। तो हम यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइड में इम्पॉर्टेंट दिया रहता है, वो हम देखेंगे। द यू ऑन May 30 रीच्ड एन एग्रीमेंट टू बैन 90% ऑफ रशियन क्रूड। तो अभी क्या हुआ कि EU ने क्या किया है May 30 को, ठीक है, EU ने May 30 को क्या किया, एक एग्रीमेंट किया, उसमें बैन किया है 90% ऑफ रशियन क्रूड ऑयल इम्पोर्ट को।
ठीक है, और कब तक किया है, एंड ऑफ द ईयर के लिए, ठीक है। ईयू ने क्या किया, बैन कर दिया है रशिया से जो क्रूड ऑयल वो इंपोर्ट कराता था अपने यहाँ, उस पर उसने अभी क्या कर दिया है, बैन कर दिया है इस ईयर के एंड तक। पार्शियल इम्बिग्रो एग्जिम पाइपलाइन ऑयल इन द ऑर्डर टू बाईपास हंगरी जो है हंगरी ऑब्जेक्शन टू बी टू द बैन। तो अभी ये हो गया कि यहाँ पे बैन किया गया। अब दूसरा पॉइंट में क्या देखना है, द एग्जेप्शन फॉर द पाइपलाइन इम्पोर्ट वॉज मेड ऑन द लॉजिक दैट डेडलॉक कंट्रीज, डेडलॉक कंट्रीज में कौन कौन सी आएंगी, डेडलॉक कंट्रीज में आ जाएंगी एक है हंगरी और एक ये हो गया हंगरी, केच रिपब्लिक और जो है स्लोवाकिया। तो ये भी आपको अपने शॉर्ट नोट में मेंशन कर लेना है कि जो ये एग्जेम्पशंस फॉर पाइपलाइन इंपोर्ट है उसमें दैट डेडलॉक कंट्रीज़ कौन सी है, डेडलॉक हंगरी है, चेस रिपब्लिक है और स्लोवाकिया है, दैट आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन रशियन पाइपलाइन। वो हैवीली किस पर डिपेंडेंट है, रशिया पाइपलाइन जो रशियन पाइपलाइन ऑयल है उस पर ज़्यादा ये कंट्रीज़ जो हैं डिपेंडेंट है। ऑन अ रेडी ऑप्शन टू स्विच टू अल्टरनेटिव, वो अल्टरनेटिव खोज रही हैं सोर्स इन द अब्सेंस ऑफ द पोर्ट, ठीक है। तो अल्टरनेटिव उनको चाहिए, रेडी टू स्विच द अल्टरनेटिव ऑप्शन, वो रेडी हैं कि वो स्विच करेंगी अगर अल्टरनेटिव ऑप्शन दिख जाता है। अब इधर देख लीजिए एक चीज़ और यहाँ पे बताई जा रही है, वो है क्या कि जो अनाउंसमेंट हुई है, जो ईयू ने क्या किया है, बैन कर दिया है इमीडिएट सर्च इन ऑयल प्राइजेस, क्योंकि इमीडिएट सर्च देखा गया ऑयल प्राइजेस में। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विद रशियन रिपोर्टेडली ऑफर, रशिया ने ऑफर किया है डिस्काउंटिंग कितना 30-35 पर बैलर डॉलर, बैरल में आपको पता है कि इंपोर्ट कराया जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ऑयल का है वो बैरल में होता है। तो इसमें बता रहे हैं कि उन्होंने ऑफ़र किया है डिस्काउंट देंगे 30-35% per barrel, इंडिया हैज़ फाउंड इट कन्वीनियंट टू मेक द मोस्ट ऑफ चीप रशियन क्रूड, पर इंडिया ने क्या किया, इसको कन्वीनियंट समझा, इंडिया ने कन्वीनियंट समझा है कि ये चीप जो रशियन क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट कराए जा सकते हैं, क्योंकि वो अच्छी मतलब रेट लगा रहे हैं, अच्छे तरीके से हो सकती है चीज़। तो ये हमें पढ़ना था यूरोपियन यूनियन पे, ठीक है, ये हमने देख लिया। सेम एज यही सेम चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है, तो हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया है। आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है आउटस्टैंडिंग गन कंट्रोल लेजिस्लेशन इज डिफरेंट कंट्रीज़। तो गन कंट्रोल लेजिस्लेशन की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या पढ़ना है, तो ये है कि US रिसेंटली विटनेस टू एपिसोड ऑफ मास शूटिंग। मैं इसको आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो US में जो यहाँ पे गन से किल किया गया है स्कूल में घुस के चिल्ड्रंस को, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये भी आपको पढ़ लेना है। आगे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हाउ द इंडस ट्रीटी वॉज साइंड, ये इम्पॉर्टेंट है कि हाउ द इंडस सिटी वॉज इंडस ट्रीटी। तो आपको पता है कि इंडस ट्रीटी क्या है, हमने हिस्ट्री में पढ़ ही रखा है, साइड में जो इम्पॉर्टेंट पहले हम उसमें देखेंगे क्या बातें की गई हैं। पहले ये देख लीजिए इसमें पहले क्या बताया जा रहा है, ड्यूरिंग पार्टीशन, जब पार्टीशन होना जब हुआ, पार्टीशन के दौरान जो इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ उस समय, द लाइन डिवाइडिंग टू पंजाब कट राइट अक्रॉस द इंडस कैनाल। तो पंजाब को दो भागों में डिवाइड किया गया इंडस कैनाल को, ठीक है, इंडस कैनाल सिस्टम को, पंजाब कट राइट अक्रॉस द इंडस कैनाल, तो बीच से डिवाइड किया गया। पाकिस्तान फाउंड दैट ऑल द 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस ओरिजिनेटेड इन द इंडिया। तो जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, इंडस की, वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही हैं, इंडिया से, एंड फ्लोड थ्रू इंडियन टेरिटरी, और ये बह कहाँ से रही हैं, इंडियन टेरिटरी की तरफ से, इन द अपर रीचेस। दिस लेड टू द हिस्टोरिकल क्राइज इन द पाकिस्तान फॉर टेकिंग अप आर्म्स टू डिफेंड देयर राइट। अब इसमें क्या हुआ कि एक देखा गया कि पाकिस्तान का फिर से चालू हो गया हिस्टोरिकल क्राइज, और ये कि उन्होंने कि आर्म टू डिफेंड राइट, मतलब बोल रहे हैं कि अपने राइट को ओवर द वाटर, उनकी राइट है ये। फॉर्चुनेटली क्या हुआ, एन आर्बिट्रेटर केम फॉरवर्ड इन द ग्रैब ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये
वर्ल्ड बैंक की तरफ गया कि क्या मतलब करना चाहिए, जैसे एक वाटर डिस्प्यूट हो गया, इसको इंडस वाटर डिस्प्यूट भी कहा जाता है। आगे देखते हैं और क्या है। अब हम इस पे आ गए तो हमको ये देखनी है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो बेस्ड है प्रिंसिपल दैट आफ्टर द ट्रांजिशन पीरियड ऑफ 10 ईयर। अब जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो ट्रीटी हुई, ट्रीटी मतलब होता है समझौता हुआ, मतलब ट्रीटी की गई, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी हुई, वो बेस्ड किस पे हुई, प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे बेस हुई, दैट कि आफ्टर ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ 10 ईयर, कि ट्रांजिशनल पीरियड होगा जो 10 ईयर्स, एक्सटेंडेड टू 13 एट द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो तीन ईस्टर्न रिवर्स जो हैं जैसे रवि, ब्यास, ठीक है, रवि, ब्यास और सतलज वुड बी एक्सक्लूसिवली अलॉकेट टू इंडिया। तो क्या किया गया, तीन रिवर्स उसमें से, जैसे इंडस के तीन रिवर्स जो हैं, जैसे रवि हो गई, ब्यास हो गई, सतलज हो गई, इसको इंडिया की इंडिया को अलॉट किया गया, ठीक है, एलोकेट किया गया, सॉरी। और जो वेस्टर्न है, जो वेस्टर्न रिवर है, जैसे कि इंडस, झेलम और चेनाब, इसको एलोकेट किसको किया गया, पाकिस्तान को, ठीक है, इसको एलोकेट किया गया पाकिस्तान को, एक्सेप्ट फॉर सर्टन लिमिटेड यूज बाय इंडिया इन द अपस्ट्रीम एरिया। तो क्या किया गया कि पांच थी, जो पांचों यहाँ से हो रही थी, ओरिजिनेट यहाँ से फ्लो कर रही थी, अब उसको क्या किया गया, बाद में इंडस वाटर ट्रीटी हुआ, उसके बाद डिसाइड किया गया कि जो रवि, ब्यास और सतलज हैं वो इंडिया इंडिया की तरफ रहेंगी, और जो झेलम, ठीक है, इंडस, झेलम, चेनब, वो पाकिस्तान। However, other related bilateral discussion and grandiose scheme came to practically nothing because of Pakistan insisted that India should make substantial concession with regard to Kashmir. अब ये मुद्दा किस पे चला आया, कश्मीर पे, ठीक है। तो ये हो गया आगे, तो ये यही चीज़ें बड़े में एक्सप्लेन की गई है, मैंने आपको छोटे में बता दिया कि क्या है, ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। तो आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।